तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं और आ चुके हैं फिर से एक रेसिंग होमर सीजन के लिए, सीज़न की एक नई रेस लेके आप दोस्तों के लिए। लास्ट टाइम भी 800 किलोमीटर की रेस आपको दिखाई थी और बहुत मज़ा आया था उस रेस के अंदर। तो आज भी रात भर से यहाँ पर बहुत तेज ठंडे आ चुके हैं, तो जहाँ से कबूतर आए हुए हैं, जिनके कबूतर हैं, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1500 किलोमीटर दूर से बर्ड्स आई हैं, प्लस मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ। ये चंदेरी जगह है दोस्तों, बहुत ऐतिहासिक जगह है, एमपी की चंदेरी। चंदेरी की साड़ी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, यहाँ से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है चंदेरी साड़ी का। तो जो दोस्त आए हुए हैं उनसे आपको सबसे पहले मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे अख्तर भाई हैं, ये अख्तर भाई हैं और साथ में ये अयूब भाई हैं, तो ये दोनों साथ में केयरिंग करते हुए लेके आए कबूतरों की। तो हज़रत बताइए कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से टोटल मिला के जो अपनी बर्ड्स आई हैं? देखो भाई साहब, हम 1500 किलोमीटर से आए हैं जी, कर्नाटक से चंदेरी जी। और चंदेरी, ये जो कर्नाटक के अंदर बाहर से दूसरे दूसरे जगह पे कबूतर लेके आए हैं यहाँ से कबूतर रेस करने के लिए जी। मतलब कितनी जगह की बर्ड्स हैं ये? बर्ड्स है रायचूर जी, मानवी, बल्लारी, लिंगसूर और हम्पी विजयनगरा जी, और कोपल और क्या बोलते हैं गंगावती जी, और कौन सा गांव है मानवी, मानवी जी हाँ जी। इतने गांव से ये कबूतर लेके आए हैं, ये एक जगह के नहीं है, कई जगह के, कई जगह के पूरा फेडरेशन एक टाइप का पूरे ठीक है ऐसा लेके आए। अयूब भाई सबसे पहले बताया जाता हूँ, हमारे दोस्त हैं हाफिज फारूक साहब जी जी, रायचूर गंगावती में जी जी। तो उन्होंने स्पेशली हमें पूरा इंस्ट्रक्शन बताया कि यहाँ से इस बार बर्ड छूटेंगे। लास्ट टाइम में मैं उनका नाम लेना भूल गया था, हमारे फारूक भाई का, तो माफी चाहता हूँ। लेकिन इस बार हमारे फारूक भाई जो हैं गंगावती के, उन्होंने पूरा बताया कि यहाँ से बर्ड छूटेंगे। तो उनकी मेहनत रही कि हम भी आ गए शौक करने आप दोस्तों के साथ में। और दोस्तों आपको दिखा दें सारी बर्ड्स, कितनी बर्ड्स हैं यू भाई टोटल मिला के? टोटल बर्ड्स है 400 बर्ड्स लेके आए, 400। इसमें कौन कौन सी यंग बर्ड्स भी होंगे? यंग बर्ड्स है और न्यू बर्ड्स भी है, ओल्ड बर्ड्स भी है, ओल्ड बर्ड्स, यंग बर्ड्स सारी की सारी। और दोस्तों देखो अभी सील लगी हुई है, सील खोली नहीं है अभी, क्योंकि सील जब उड़ाने का टाइम आएगा तब खोलेंगे। बाकी आपको दिखा दें, जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं वो है कल्याण कर्नाटका होमिंग पिजन एसोसिएशन, और इसके अंदर कई क्लब्स आते हैं। ये फेडरेशन रेस है 1000 किलोमीटर की, मानवी रेसिंग पिजन सोसाइटी मानवी का है ये, उसके बाद बल्लारी रॉयल पिजन एसोसिएशन, फिर विजयनगर रॉयल पिजन सोसाइटी, और ये आता है रायचूर होमिंग पिजन सोसाइटी, इसके बाद फिर बल्लारी का होमिंग पिजन एसोसिएशन, यानी कि बल्लारी के दो क्लब्स हैं इसके अंदर, और फिर रायचूर, रायचूर के भी दो क्लब्स हो गए, लिंगसूर, लिंगसूर का ये एक हो गया क्लब, कोपला, और इसके बाद कोपल जी, और फिर गंगावती, गंगावती। तो ये टोटल 9 क्लब हैं एक फेडरेशन के अंदर जिनके ये सारे बर्ड्स आए हुए हैं, और 1500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं दोस्तों ये बर्ड्स। और ये इस सारे बर्ड्स 400 के करीब बर्ड्स हैं ये पूरे, क्योंकि एक उसके अंदर करीब 20 बर्ड्स रहते हैं। अयूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने रात में हमें उठाया कि हाँ आ चुके हम भी, तो हम भी भागे भागे आ गए सीधे के सीधे। और यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड है दोस्तों, ठंड के अंदर आपने देखा होगा दो दो इनर भी पहन रखा है मैंने, उसके बाद टी शर्ट है और फिर जैकेट है, भाई तो कुछ भी पहन के जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाएंगे कैसे पूरी सील काटी जाती है, और सील काटते हुए दिखाएंगे आपको उसके बाद कैसे छोड़ी जाती है। यंग बर्ड्स का बता दूं दोस्तों, यंग बर्ड्स यानी कि इस सीज़न के अंदर पैदा हुए हैं वो 2023 के अंदर, तो उसे यंग बर्ड्स बोलते हैं, है ना, उनके ऊपर रिंग चल रहते हैं जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजिली होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेस की। तो दोस्तों टैग कट हो रहे हैं, इसमें देख सकते हैं सारे कबूतर जो है टैग हैं, और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ है, चंदेरी जो है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। ये देखिए आप इधर पहाड़ जब आ रहे थे तो एक बहुत बेहतरीन वीडियो। एक और दोस्तों मेरा चैनल है भोपाली तड़का, वो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, उसके अंदर आपको मोटो व्लॉगिंग की वीडियोस मिलेंगी। तो ये वो इधर टैग कट हो रहा है, अक्सर भाई टैग कटिंग कर रहे हैं। एक एक चीज़ की वीडियो अपलोड करी जाती है दोस्तों, इनका सॉफ्टवेयर होता है जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर ये पूरी वीडियोस अपलोड होती है,
ठीक है। और इनका सॉफ्टवेयर भी बहुत तगड़ा होता है, कबूतर जैसे ही लॉफ्ट पर पहुँचता है तो वो कैच हो जाता है। तो ये सारी आप देख सकते हैं, सारे टैग कटिंग अख्तर भाई कर रहे हैं और आयु भाई वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये टैग कटिंग हो चुकी है और 7:08 पे रिलीज होंगे ये बर्ड्स, 7:08 और अभी हो रहा है 7:06। तो ये देखिए पूरे तीनों भाई साथ में आए, अख्तर भाई, अयूब भाई और आपका नाम भूल गया भाई, शाहनवाज भाई। तो तीनों भाई साथ में आए हैं बर्ड्स लेके और बाकी सब चंदेरी के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे बर्ड्स का रिलीज देखने के लिए और 7:08 पे रिलीज करा जाएगा। तो सबके सब तैयार है दोस्तों, 7:08 हो रहे हैं और बर्ड रिलीज की तैयारी के अंदर आप देख सकते हैं सारी की सारी बर्ड्स रिलीज होंगी एक साथ। अभी सिर्फ दरवाजे को हिला के करा जा रहा है ताकि एक साथ रिलीज कर सके और आप देखिएगा बहुत मज़ेदार मंजर होता है ये बर्ड्स का। जब 7:08 हो चुके हैं और बर्ड्स बिल्कुल रिलीज की तैयारी में, तो ये 7:10 पे रिलीज हो जाएंगी बर्ड्स पूरी की पूरी, क्योंकि सिर्फ टैग कट हो चुके हैं, सिर्फ दरवाजे खुल रहे हैं और दरवाजे खुल के सीधे एकदम बाहर निकलेंगे बर्ड्स। तो आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है दोस्तों उस टाइम का जब बर्ड्स बाहर निकलते हैं और देख के सुकून मिलता है। ये देख सकते हैं आप एक साथ, अब वो आगे दरवाजे के आगे खड़े रहेंगे ताकि निकले नहीं एकदम बर्ड्स, क्योंकि सारे बर्ड्स का एक साथ निकलना ज़रूरी है, जो पीछे रह जाता है वो फिर पीछे ही रह जाता है। तो ये बहुत मेहनत का काम है कि हर चीज़ करी जाती है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बहुत खेल जो है, ये स्पोर्ट जो है होमर पिजन्स का, ये अलग लेवल का स्पोर्ट्स है दोस्तों, इसके अंदर जुनून तो चाहिए रहता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और देख रहे हैं आप रिलीज़ होने वाले हैं बर्ड्स और सारे बर्ड्स एक साथ रिलीज़ होंगे तब का नज़ारा ही अलग होता है। ये देखिए हल्के हल्के ये फीमेल बर्ड्स, फीमेल यंग बर्ड्स, हर चीज़ लिखी हुई है पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से दरवाज़ा खोलेंगे ताकि एक साथ बर्ड्स रिलीज़ हो जाएं ज़रा से में, ठीक है ना। तो ये बर्ड्स रिलीज़ की तैयारी में, ये देख सकते हैं 7:09 हो चुके हैं और 7:10 पे करेक्ट रिलीज़ हो जाएंगी ये सारी बर्ड्स। और इधर ये देखिए ये भी आ चुके हैं यहाँ पे शिकारी, और शिकारियों से बचना ही मैंने इनका आज, क्योंकि कई बर्ड्स फाल्कन का शिकार भी हो जाते हैं रास्ते में जाते हुए। तो ये आज आपको एक अलग स्पोर्ट्स का नज़ारा, ये सारे बर्ड्स रिलीज़ होने की तैयारी में, बाकी कई चंदेरी के दोस्त आ चुके हैं इधर, तो देखते हैं। ये देखिए आप पीछे का नज़ारा देखिए, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो टाइमिंग सेट करते हुए ताकि एग्जैक्ट टाइमिंग का लोकेशन सेट हो सके। आयु भाई पीछे आ जाइए थोड़ा सा, तो 7:13 पर रिलीज हो रहे हैं दोस्तों ये बर्ड्स, 2 मिनट का थोड़ा सा लेट हो गए। बिल्कुल तैयारी में एक साथ सब बर्ड्स रिलीज होने की, एक अलग ही नज़ारा आज देखने को फिर से मिला है। 1000 किलोमीटर ये रेसिंग होमर्स, ये देखिए, ये देखिए, आ हा गजब, ये सारे खुल चुके हैं और ये एक साथ बर्ड्स पूरे रिलीज हो चुके हैं दोस्तों, 7:13 पर रिलीज हुए हैं।
ये आप देखिए नज़ारा, सारे कबूतरों का सारे एक साथ रिलीज हो गए और एक अलग नज़ारा आप दोस्तों को देखने को मिला, क्योंकि खुली जगह है तो मज़ा आ जाएंगे देखते हुए। ये तीन चार चक्कर काटेंगे और फिर एक साथ निकल जाएंगे इकट्ठे होके। ये देखिए ये सारे बर्ड्स, 400 के करीब बर्ड्स एक साथ जा रहे हैं, रेसर होमर्स। इनको रेसर होमर्स इसलिए ही कहा जाता है कि ये एक दो चक्कर काट के सीधे निकलते हैं घर की तरफ और ये कल तक कर्नाटक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये नज़ारा ही एक अलग होता है देखने का, जबरदस्त। कहाँ गए देखिए, गायब हो गए, जरा से मैं गायब हो गए। सिर्फ एक मिनट का नज़ारा रहता है ये दोस्तों, एक मिनट के अंदर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहे हैं बर्ड्स। फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, वापस घूमेंगे एक चक्कर। तो ये पूरे बर्ड्स एक साथ निकले इस पेड़ के पीछे हैं अभी। तो ये सारे बर्ड्स निकल चुके हैं दोस्तों सीधे घर के लिए, ये दिख रहा है गज़ब का नज़ारा दोस्तों, मज़ा आ गया देख के। और उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देख के, क्योंकि इस एक साथ 400 बर्ड्स का छूटना एक अलग ही मायने रखता है। तो सारे पिंजरे खाली हो चुके हैं और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब ये वापस पहुँचेंगे, वीडियोज आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ही अलग नज़ारा, बहुत ज़बरदस्त जगह थी जहाँ से बर्ड्स एक साथ रिलीज हुए। अब तो देखना ही बंद हो गया, कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। ये तो चांद तक का पकड़ लेता लेकिन कबूतर नहीं पकड़ पाया ये भी कैमरा। ये देखिए आप कितने फास्ट गए कि कैमरे के अंदर नज़र ना आए, सिर्फ एक मिनट के लिए बना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।